नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पीजीडी पीपीटी का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको हम तीन चरण में लाएंगे, नहीं तो अगर एक ही साथ लाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द क्लाउड, यानी कि सूर्य जो है बादल के पीछे छिप जाता है। तो इसमें जो बिहाइंड है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हमें बताना है ये जो एडजेक्टिव है हमारा, बिहाइंड जो है हमारा एडजेक्टिव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, विजय इज एब्सेंट टुडे बिकॉज सी इज इल, विजय आज अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो इसमें सी क्या है? वो हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम स्लीपी आई हैव बिन वर्क ऑल नाइट, मैं सोया हूँ क्योंकि मैं पूरी रात कार्य किया। तो इसमें हैव बिन वर्किंग, ये कौन से टेंस की क्रिया है? तो ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, जिसकी क्रिया हैज़ बीन या हैव बीन होती है। क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर आई वॉन्ट टू दिल्ली आई हैड बिन लिविंग इन पटना फ्रॉम 5 ईयर। तो इसमें जो हैड बिन लिविंग है वो हमारा कौन से टेंस की सहायक क्रिया है? तो ये जो हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, जिसमें सिर्फ हैड बिन ही लगती है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हमारी क्रिया है वो हैज़ बीन और हैव बीन लगती है, जबकि पास्ट टेंस में क्या होता है? हमारा हैड बीन ही लगता है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है, और जो फ्यूचर में होता है तो वो हमारा विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, आई रिमेंबर द क्वीन इन लंदन। तो ये आई रिमेंबर द क्वीन मीटिंग द सॉरी आई रिमेंबर क्वीन आई रिमेंबर मीटिंग द क्वीन इन लंदन, यानी मुझे याद है मैं रानी से मिलने लंदन गया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, द वेल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। तो इसका हमें पैसिव में बदलना है, सॉरी ये हमारा पैसिव में दिया हुआ है उसको हमें एक्टिव में बदलना है, यानी इसका अर्थ है वेल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, दीवार जो है मैसन के द्वारा बनाई गई है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्टिव वाइज जो है द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, यानी दीवार को मैसन ने बनाया है। तो इसमें यहाँ से जो हमारा बाई है वो हमारा जनरली पैसिव वाइज में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड टू मी दैट दे वुड हर्ट मी, उसने कहा वे मुझे हर्ट किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा दे विल हर्ट यू, वे तुम्हें हर्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु स्टडी
अबाउट इंसेक्ट इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो जो इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन करता है वो हमारा जूलॉजिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आयरन इज डार्कर देन एनी अदर मेटल, तो जो आयरन है हमारा वो मोस्ट यूजफुल देन एनी अदर मेटल, वो हमारा अदर मेटल से ज़्यादा यूजफुल है। आर हेड नट टू क्रैक, इसका राइट आंसर ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वो जो नट को क्रैक करना एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 11, वाट इज द सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो हमारा सोर्स क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारा हाइड्रोजन गैस चार्ज लैम्प। जो हाइड्रोजन गैस चार्ज लैम्प होता है वो हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पैदा करता है या वो अल्ट्रा रेडिएशन निकालता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, द सेल इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, वह सेल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसमें जो हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। जैसे हमारा बैटरी हुई, बैटरी में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, जैसे हमारी ये बैटरी है कोई, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है और यहाँ दो वायर लगे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसके थ्रू उसमें जो जनरली H2SO4 होता है, तेजाब जिसको आम भाषा में बोलते हैं, तो उसके रूप में इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 13, सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर, जो समुद्री जल है उसको हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं यानी पीने योग्य बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर इज नोन एज, तो जो रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाता है वो हमारा वल्केनाइजेशन कहलाता है। अब जो सल्फर है उसको रबर में जब डाल के हीट किया जाता है तो उससे हमारे रबर का क्या होता है, उससे रबर हमारा ठोस होता है, हम उसमें सल्फर की जितनी मात्रा मिलाते जाएंगे उससे हमारे रबर और ठोस होते जाएंगे, जैसे अगर हम उसमें सल्फर का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमारी बैटरी का जो ढांचा होता है बाहरी आवरण वो तैयार हो जाएगा, यानी वो सबसे ठोस होता है जो प्लास्टिक होती है, तो सेम उसमें सल्फर की मात्रा जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे तो उसमें हमारा जो रबड़ है वो और हार्ड होता जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं, और जैसे जैसे उसमें मात्रा कम करते जाएंगे वो हमारा रबर और स्मूथ होगा, तो इसका मतलब है कि बीच में जब सल्फर की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और एक बीच में कहीं न कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो रबर एकदम मुलायम होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और कल का क्वेश्चन आगे लाएंगे अगली वीडियो में, और दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल के भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आगे और वीडियो लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और कल या परसों में न्यूमेरिकल की वीडियो भी लाएंगे। धन्यवाद।